खबर पूरे संथाल परगना से है। सबसे पहले खबर जानते हैं दुमका से। हत्या के विरोध में बाजार बंदी का दुमका शहर में रहा मिला जुला असर। महिला व्यवसायी पुष्पा हेमा सिंह के हत्या के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स व उपराजधानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आहूत एक दिवसीय बाजार बंदी का दुमका शहर में मिला जुला असर रहा। सुबह 10 से 12 बजे तक दुकानें बंद रही, लेकिन धनतेरस को देखते हुए दोपहर बाद अधिकांश व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को खोल दिया। बंदी को लेकर सुबह 10 बजे तक बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। खबर झारखंड उपचुनाव मतगणना से। दुमका में 18 और बेरमो में 17 राउंड की कल होगी गिनती। दोनों सीटों पर सीधा मुकाबला। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के उपचुनाव की वोटों की गिनती कल मंगलवार को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों ही जगह बनाए गए मतगणना स्थल पर सुबह 6 बजे से ही मतगणना कर्मियों का प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। दुमका में 18 तो बेरमो में 17 राउंड की गिनती होनी है। दोनों ही सीटों पर सीधा मुकाबला है। दुमका में भाजपा व झामुमो जबकि बेरमो में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दुमका व्यवसायी हत्याकांड मामले के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड में दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े कांग्रेस नेता और महिला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने रविवार को यहां बताया कि नगर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में आपसी विवाद में महिला पुष्पा हिम्मत सिंह की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी रोकी ने आज कोलकाता के सिटी लोक थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब खबर गोड्डा से। प्रधान संरक्षक सुफल किस्कू ने कहा, आदिवासियों के लिए बने अलग धर्म कोड। आदिवासी समाज के लिए एक अलग धर्म कोड होना चाहिए, उसका नाम आदिवासी ही सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। अलग अलग नाम पर राजनीतिक बंद होनी चाहिए। आदिवासियों की अपनी एक अलग संस्कृति है, उसकी एक अपनी पहचान है। अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखना सभी आदिवासियों का परम कर्तव्य भी है। यह बातें अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का नवनिर्वाचित प्रधान संरक्षक सुफल किस्कू ने कहा गोड टांडी गांव में आदिवासी धर्म कोड को लेकर बैठक में कही। कम राशन मिलने की रूपूचक के ग्रामीणों ने उपायुक्त को की शिकायत। पथरगावा प्रखंड के चिलरा पंचायत अंतर्गत रूपूचक ग्राम के राशन कार्ड धारियों ने गांव के ताजा स्वयं सहायता समूह के डीलर पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसको लेकर उपायुक्त जिला व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया है। उपायुक्त को दिए गए आवेदन में उपभोक्ता सुचिता मांझी, रामन मुर्मू, कपिल मांझी, धीरो मुन्नी देवी, सोना मुनि हासदा, चांद मुनि टूडू, जैमून बीबी, मंजू देवी, गुलशन बीबी सहित 60 से अधिक कार्डधारियों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन देते हुए कहा कि डीलर ने अक्टूबर और नवंबर का राशन अभी तक नहीं दिया है। छठ महापर्व से पूर्व अंतर्राज्यीय बस परिचालन से यात्रियों को राहत। वैश्विक महामारी कोविड-19 काल में लगभग 8 माह बाद अंतर्राज्यीय बस परिचालन शुरू होने से शहर के प्राइवेट बस स्टैंड में फिर रौनक लौटने लगी है। नई व्यवस्था में अब बस में नियम का पालन करते हुए सीट पर क्षमता के अनुसार यात्री बैठाकर परिचालन होगी, जिससे बस संचालक व यात्रियों को भी बस किराया के मामले राहत मिली है। अब खबर देवघर से। देवघर के छात्र साजन का रियलिटी शो तारे जमीन पर के लिए हुआ चयन। देवघर का छात्र साजन शर्मा का चयन स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाली रियलिटी शो तारे जमीन पर के लिए हुआ है। साजन स्थानीय नंदन पहाड़ के पास रहने वाला है। साजन के पिता का कहना है कि संगीत हमारे परिवार के रंगों में है। साजन के दादाजी संगीत प्रेमी थे, उनसे ही यह कला साजन में आई। स्टार प्लस टीवी सीरियल के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर साजन का प्लेटफॉर्म करना देवघर के साथ झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। डीजी के साथ साथ केवल 27% बच्चे। कोविड संक्रमण के कारण विद्यालय बंद है, ऐसे में सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए विभाग की ओर से डीजी साथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य से लेकर विद्यालय स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पढ़ाई कराई जा रही है। जिन बच्चों को केंद्र में रखकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वही बच्चे इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। देवघर की स्थिति तो कुछ यही बयां कर रही है। यहां महज 27% बच्चे ही डीजी के साथ तहत विद्यालय स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाए हैं। देवघर में भूमि विवाद में मामा भांजे पर जानलेवा हमला, मामा की मौत।
देवघर जिले में कोंडा थाना क्षेत्र के कटिया गांव के पास बाइक पर जा रहे दो लोगों पर रविवार को जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि भूमि विवाद के कारण अपराधियों ने गोली मारकर पप्पू सरदार की हत्या कर दी, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार उसका 22 वर्षीय भांजा गोली लगने से घायल हो गया है। अब खबर जामताड़ा से। 6 नवंबर से फरार प्रेमी युगल जामताड़ा जिला से बरामद। 6 नवंबर से फरार प्रेमी युगल जामताड़ा जिला से बरामद कर लिया गया है। किशोर के खिलाफ पुलिस ने किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज किया है। सोमवार को उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। प्रभारी थानेदार नवल किशोर सिंह ने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और दोनों नाबालिग हैं। दोनों के बीच पहले से दोस्ती थी। 6 नवंबर को दोनों शादी की नियत से घर से निकल गए थे। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा, भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जामताड़ा के कुंडहित से मनरेगा योजना स्वीकृति कराने सहित आधार कार्ड, जॉब कार्ड बनाने, पेंशन स्वीकृति आदि कार्य के लिए प्रखंड में अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है, तभी काम होता है। जब से झामुमो की सरकार आई है, तब से अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यह चेतावनी दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने नाला प्रखंड जाने क्रम में कुंडहित के बरमसिया मोड़ पर कार्यकर्ताओं के बीच दी। कार्यकर्ताओं ने संसद से कुंडहित प्रखंड में भ्रष्टाचार की जानकारी दी। अब खबर पाकुड़ से। महाराजगंज के रहने वाले प्रशिक्षु दरोगा ने की आत्महत्या। पाकुड़ में थे पदस्थापित। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिला के थानापाला में पदस्थापित 2018 बैच के प्रशिक्षु दरोगा 28 वर्षीय रानू कुमार सिंह अपने क्वार्टर में पंखा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला प्रकाश में आया था। प्रशिक्षु दरोगा रानू कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के सिवान जिला के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेड़ा गांव निवासी शंकर दयाल सिंह के बड़े पुत्र हैं। इस घटना से झारखंड पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबर साहेबगंज से है। जॉब कार्ड में गलत तरीके से कार्य दिवस चढ़ाने का मामला उजागर। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम ने प्रखंड के सोनाधनी और तालझारी पंचायत में संचालित योजनाओं में कई गड़बड़ियां पकड़ी। टीम इसके विद्वेदी व बागेश मिश्रा शामिल थे। सोनाधनी गांव में सूरज पहाड़िया के जॉब कार्ड में गलत तरीके से कार्य दिवस चढ़ाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। निरीक्षक में पुराने प्रधानमंत्री आवास योजना को अब तक पूर्ण नहीं किए जाने पर दोनों अधिकारियों ने संबंधित पंचायत व रोजगार सेवक की फटकार लगाई। गंगा की गवाही से तस्करी रोकने की तैयारी। गंगा के रास्ते पत्थर तस्करी की बात से अब तक प्रशासन इनकार करता रहा है, लेकिन हाल में समद घाट पर 4 ट्रक जब्त करने के बाद प्रशासन मानने लगा है कि गंगा के रास्ते पत्थर तस्करी हो रही है। इसे रोकने के लिए एसपी अनुरंजन किसपोटा ने जिला खनन पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी उपायुक्त को भी दे दी गई है। प्रशासन तस्करी रोकने में कितना कामयाब होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन गंगा तो इस बात की गवाही दे चुकी है कि साहिबगंज में पत्थर तस्करी हो रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।